राम राम जी भाई भाई, मैं आपको अपना राजा गुजर। सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर उतरी हैं। तो जल्दी से आपको फीचर बताता हूं। तो जो लोग गर्मी से परेशान हैं या जिनको गर्मी ज्यादा लगती है, उनके लिए अच्छी बात यह है कि जो एसी है इस बस का, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और जो ध्वनि प्रदूषण है इस बस में, वो जो है बहुत कम है, या ये मान के चलिए कि है ही नहीं। सीएनजी बसों में जो है शोर बहुत मचता है, तो इसके अंदर जो है वो वाला साउंड बिल्कुल नहीं आता, बस के चलने का आपको पता भी नहीं चलता। थोड़ा बहुत जो शोर आता है वो ये जो फैन लगे हुए हैं, इसके इस फैन का जो है जो शोर है वो आता है। इसके अलावा कोई जो है भाई, मौज कर दी भैया दिल्ली सरकार ने, भैया बढ़िया काम कर दिया। देखो जो बात है, जो पहले लोग बिना एसी की बस में घूमे करे, भाई एसी की बस आ गई है, और सबसे बड़ी बात बैटरी की है भैया, ना तेल लगे ना गैस लगे, कोई ज़्यादा बड़ा खर्चा नहीं है। और जो आवाज़ वगैरह काफ़ी करती थी जब चलती थी, काफ़ी आवाज़ आती थी बसों में से, तो भाई वो भी ख़त्म होगी, बिल्कुल स्मूथ चले, कोई गियर नहीं, गियर लगाने में आगे पीछे ड्राइवर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए करे, चलाना बड़ो कैडो काम बस है, थोड़ी दूर जाकर रोकना, फिर चलाना, फिर गियर लगाना, बड़े हैवी सिस्टम है उसके दो। और इसमें भाई ना तो गियर है ना कोई है सिस्टम, बढ़िया काम कर दे भैया केजरीवाल सरकार ने, भैया दिल्ली वाली ने। और भाई या में जो है अंदर ध्वनि प्रदूषण नहीं होता, और चीज और दिखाते हैं आप, तो आपको दिखाई दे के क्या कर रहे हैं। ठीक है, ड्राइवर की जो सीट है उसके बिल्कुल पास में लगा हुआ है, और एक बैक कैमरा भी लगा है ताकि जब रिवर्स कर रहे हो तो आपको दिखाई दे के क्या कर रहे हैं। ठीक है, ये पैनिक बटन है, SOS बटन इसको बोलते हैं, अगर कोई आपात स्थिति होती है तो उस सूरत में इसको दबाया जा सकता है। और अगर भाई कैमरे भी लगे हैं, काफ़ी बेर देखो परेशानी आ गई बसन में, ज़्यादातर क्राइम हो गए, किसी ने किसी मार दियो, किसी ने कोई चोरी चकारी लड़ाई झगड़े हो जाए करे, भाई अब के जो कैमरे लगे हुए हैं बसन में, और ड्राइवर के धोरे सिस्टम रहवे, जो कि ड्राइवर सारी चीज़ें ने देखता भी रहवे। और पहले बसन में कैमरे बैक कैमरे ना रहे करे, पीछे कोई आदमी खड़ा हो जाए, कोई बाइक खड़ी है किसी को ऊपर मार दे, बड़ी बस रह गई भाई, बड़ा सिस्टम रहे करा जो है। पर भाई बढ़िया सिस्टम कर दियो भाई, 150 बस तो अभी चलाएंगे, 150 बस और चलाएंगे, और 2-3 हज़ार बस चलाने को इनको प्रोग्राम है। और भाई यासु बहुत बढ़िया सिस्टम दिल्ली की, मतलब एक बहुत अच्छा सिस्टम बैठ को बढ़िया वाला, भाई पॉल्यूशन ख़त्म हो रहा है, और ज़्यादातर बस लोगों ने परेशानी रही करी, कोई भी मोटरसाइकिल वाला बाइक वाला बस के पीछे लगा दिख रहा है, इंजन ज़्यादा आवाज़ करे करे, रोड पर चलते वक्त कोई लोग ज़्यादा परेशान हो जाए करे, तो भाई वहाँ में बढ़िया सुविधा दी है भाई दिल्ली सरकार ने, ये बहुत बढ़िया काम करो भाई, मुझे बहुत बढ़िया लगो। और एसी लगा के दे रहे भैया, आप जो भी अपना आराम से नॉर्मली बढ़िया तरीका से जा सके, वहाँ में ज़्यादा खर्चा भी नहीं रहेगा कि भाई ज़्यादा तेल फूक जाएगा, एसी कौन से लगावें भाई, डीजल वगैरह कौन से गिरवावें, जो भी है सीएनजी कौन से गिरवावें, तो भाई अब तो कोई दिक्कत वाली ज़्यादा बात ना, और एसी बढ़िया चलेगा, बढ़िया सिस्टम रहेगा, पॉल्यूशन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा भैया, तो भैया बढ़िया सिस्टम लगो। और बाकी अभी और भी प्रोग्राम चला रहे भैया दिल्ली सरकार, तो भैया दिल्ली सरकार ने यूँ बहुत बढ़िया काम करो भाई, बढ़िया अच्छा लगो मुझे देख के भाई। और सबसे बड़ी चीज़ भैया में कैमरे लग रहे हैं, ज़्यादातर क्राइम हो जाते थे क्योंकि हर तरह का लोग अंदर जाके बैठते थे, कोई चोरी करता था, कोई ऐसे कर रहा है, तो वहाँ भाई बढ़िया सिस्टम है, वहाँ से थोड़ा आदमी जल्दी पकड़ो जाएगा, कैमरे लगे हुए भाई 3-4 या में, कोई परेशानी हो जाए बटन भी लगे पड़े हैं, आपने देखो वो बटन दबा दो तो ऑटोमेटिकली ड्राइवर साइड में लगा देगा, किसी आवाज़ मारने की ज़रूरत ना, पीछे खड़े होकर आवाज़ मारते रहे, बंद कर दे रहे या चला रहे काफ़ी परेशानी आई करी, तो अब तो ठीक है भाई, बढ़िया लगा मुझे देखो, जो दिल्ली सरकार ने ये बढ़िया काम करो, ठीक है भाई, राम राम जी।